वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है मैं कोई चैलेंज नहीं कर रही हूँ, आज बहुत सिंपल सा एक चीज़ सुना रही हूँ जो कि मैं नेट पे देखा था, ठीक है। सो मैंने सोचा कि अभी ना शीट ना लूँ क्योंकि अभी प्रैक्टिकल करते हैं, इसलिए मैं अभी पेपर से बना रही हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं शीट से बनाऊँगी, ठीक है। आई डोंट नो भी इतना परफेक्ट बने या ना बने, ठीक है। सो अगर आप लोग ने मेरा चैनल विजिट नहीं किया तो मेरे चैनल एनी ब्लॉगर्स 311 को सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियो को लाइक करिए। सो अगले वीडियो में चैलेंजेस आएगा और हमेशा आता है, मेरी दो तीन क्राफ्ट की वीडियोस है, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये टू पेपर से बनाना है, अगर आप शीट से बनाना चाहो तो शीट से भी बना सकते हैं। सो इस पेपर दो पेपर है ना, तो एक स्टिक बना लेनी है हमने बहुत बारीक सी, ठीक है। जल्दी से एक स्टिक बना लेगा ना, एक तरह से ज़्यादा मोटी एक तरह से पतली होनी चाहिए जैसे मेरी हुई भी, ठीक है। सो आप लोग जो है क्या क्या चीज़ें आप लोग घर पे इस तरीके से ट्राई करते रहते हैं, जैसे प्रिंट टेक्स्ट कौन कौन यूज़ करता है उसे बताइएगा। उसमें क्राफ्ट की चीज़ें जो है बहुत प्यारी प्यारी आती है, सिंपल वे में आती है, तो मैं भी वहीं से ज़्यादातर देखती हूँ, प्रैक्टिकल करती हूँ, फिर मैं खुद बनाती हूँ बिना देखे, फिर मैं नेट पर दिखा देती हूँ मतलब आप लोगों को, ठीक है। सो अभी स्टिक मेरी बन चुकी है, मैं इसको पेस्ट करूँगी, अभी ये फिर से मोटी हो गई है तो मैं इसको फाइनली करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने स्टिक बना ली है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा वाला पेपर है ना, ठीक है, अब हमने उसके फोर सर्कल्स कट करने हैं छोटे छोटे से। सो हमने जो है इक्वल फोर साइज के जो है ना हमने सर्कल कट करने हैं। सो गाइस अभी हमने साइड में जो है ना बिल्कुल साइड में बनाने, क्योंकि अभी इसी पेज से ना हम एक और चीज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने इसके वन सर्कल हमें ड्रॉ कर लिया, फोर करेंगे। सो गाइस अभी ना मैंने सिर्फ ने इसके टू सर्कल्स ड्रॉ करे हैं, मैंने कहा इतना लंबा टाइम कौन ले, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसे ही रखें, ठीक है। ऐसे में फोर सर्कल्स ड्रॉ करेंगे हम, अभी हमने टू करें। सो मैंने सोचा था लंबा झंझट कौन करेगा भैया, सो मैंने शॉर्टकट लेने की सोची, ठीक है। अभी हमने पेपर को सर्कल के हिसाब से फोल्ड कर लेना, ठीक है, मतलब कि जितना सर्कल होगा उससे थोड़ी सी स्पेस जो है हमने छोड़ के इस पेपर की क्रीज बनानी है, ठीक है। इससे जो है ना आपका टाइम बच जाएगा, मैं तो जब भी एक करना है कर लेती हूँ। सो देखें अभी ये ना, अब हमने इसको पीछे की तरफ मुड़ना है ताकि हमें पता चल जाए। देखें वन और ये टू, अब आपने जो ऊपर वाला पेपर है ना उसके हिसाब से, भले वो ड्रॉ वाला सर्कल ऐसा ना बने, ठीक है, आपने जितने आपको लग रहा है कि भाई अभी पता नहीं फोर बनेंगे नहीं बनेंगे, तो अभी आपको क्या करो, जितने पेपर इन्हें काम करो आप उतना फोल्ड कर लो, भले तीन बन जाए चार बन जाए पाँच बन जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर किसी क्राफ्ट के लिए काम आ जाएंगे फिर, ठीक है। फिर आपने इसको कट कर लेना है, सो गाइस आप तो मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे 36 सब्सक्राइबर जो हैं कंप्लीट हो गए, बस 40 या 50 तक अभी आप लोग मेरे करवा दो, मेरी बहुत बड़ी बात है। वैसे सेलिब्रेशन भी कर रही हूँ तो मेरे 40 to 50 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 सर्कल्स बन चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी हमें ज़रूरत है सिर्फ 4 की, सो हम अभी निकालेंगे ये वाले निकाल, कोई सा भी निकाल दो, ठीक है। अब हमने इसके बीच में भी एक छोटे छोटे से सर्कल्स को ड्रॉ करना है। सो गाइस सारे सर्कलों को मैंने हाफ में फोल्ड किया है, ठीक है ना, और एक सर्कल पे बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में मैंने सर्कल बना लिए, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है ना। तो हमने जिसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करा है उसके ऊपर जो है उसके नीचे सारे सर्कलों को जो है बिल्कुल प्रॉपर रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर, ताकि जो है ना हमें बार बार एक एक उठा के एक एक के ऊपर बनाना ना पड़े। तो जैसे हमने सारे सर्कलों को ड्रॉ करा था ना एक ही को किया था सारे कर दे ऐसे ही। सो अभी हमने सबको एक के ऊपर एक रख लिया, ठीक है। सो अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से कट कर लेना है, कटिंग के कारण घर में किसी बड़े से करवाया करें, ठीक है ना। मैं मुझे तो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस हो गई है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, ये देखें कट गए 1 2 3 4, बीच के सर्कल तो ऐसा बने पता नहीं क्या है, ठीक है। तो अभी इन सर्कल्स को भी हम साइड में रखते हैं। अभी जो ये हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ पेपर था ना, ठीक है, अब हम
सो ये वाले पेज के ऊपर जो है ना हमने 6-8 लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते जाना है। अब हमने फिर से वही काम करना है, नहीं बल्कि नहीं, क्योंकि लाइन जो है ना फिर आई डोंट नो कि सही कटे ना कटे, तो अभी हम इसको खुद ही से ड्रॉ कर लेंगे। मैं ड्रॉ करके कंप्लीट करूँ, तब तक के आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है और ये बिल्कुल फ्री होता है, ओके। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर से तय करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, ठीक है। ये 4 लाइन ड्रॉ होती है फिर मैं आपको शो करती हूँ। सो गाइस अभी से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, सो एक बीच ही बहुत पतली बन गई थी, पता नहीं दोनों से कोई एक, तो मैंने एक एक्स्ट्रा ड्रॉ किया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसको कट करना है, फिर असल गेम्स का स्टार्ट होगा। सो गाइस ये मैंने स्ट्रिप्स कट कर लिए, 8 है शायद, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ऐसी 8 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये वाला जो पेपर है ना, ठीक है, एक उठाना है पहले आपने, ठीक है, और इसके पूरे एरिया में हमने ग्लू लगा देना है। ये बहुत चुन्नू सा है इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है लगाने में, ठीक है। और इसके मेजरमेंट से लगाना वरना स्ट्रिप जो है ना सारी टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है, सबको एक दूसरे के सामने। इससे क्या, अभी हमने ये वाला लगाना, अब बिल्कुल सामने, इसके पहले हमने ये वाला लगाना है, ठीक है। अब जैसे हम लोग याद है बचपन में हैशटैग किया, पता नहीं कुछ बनाते थे स्टार ऐसे बनाते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। इसको वैसे ही लगाओगे ना बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, रखेगी बस की वाली। अगर सवाई ना गली के पीछे रोड में नहीं है तो वहाँ से ना रुक्शी जाते रहते हैं, तो प्लीज़ जॉइंट माइंड, ठीक है। ये देखो ये बन रहा है ना, ऐसे हम लोग सारे कुछ बनाते थे वैसे बचपन में बहुत ना, मुझे याद नहीं आ रहा क्या, तो मैं आपको बताती हूँ ज़रूर, ठीक है। ये निकली है तो अगर निकल जाए तो कोई मसला नहीं है, ग्लू ला लो। मेरी तो बेइज्जती होती रहती है यार, जगह में मजाक कर रही हूँ, मेरी बेइज्जती आज तक कहीं पर भी नहीं हुई। ये देखो ये लग गया। अब जो हमने दूसरा वाला सर्कल बनाया था ना, इसके ऊपर भी हमने जो है ग्लू लगा लेना। कोई भी आपने जो है ना उससे बनाओ ना, तो कोई भी सर्कल ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में सर्कल ना हो, क्योंकि फिर स्टिक इसके बीच में से नहीं निकलेगी, ठीक है। सो अभी ये वाला हमने बिल्कुल इसके बीच में लगा देना है, इसके शेप के अकॉर्डिंग। अभी भी जिसका शेप नहीं समझ में आ रहा, ये देखें बिल्कुल लग गया। अब जो वाकई ये क्या देखो, अभी से ही बोल रहा है मैं बन गया। अब ये जो बाकी दूसरा वाला सर्कल है ना, इसके ऊपर भी हमने ये करना है, फिर हमने जैसे इस पर किया ना इसको ऊपर करके चिपकाना है, ठीक है, कैसे ऐसे ऐसे रख के, फिर मैं आपको शो करूँगी। वैसे जब आप इसको ऊपर से स्टिक कर दोगे ना तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। वैसे इतना प्यारा लग रहा है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा, फिर जो हमारा एक्सट्रीए वाली शीट होगी ना, तो आउच, तो आपने इसे लंबाई में से आपने दो कट करने, मैं आपको बताती हूँ क्यों, ठीक है। फिर आपने स्टिक को लो, देखो स्टिक से थोड़ा लूज़ होना चाहिए बिल्कुल, थोड़ा सा ही, ज़्यादा लूज़ करोगे ना तो फिर ये सही नहीं बनेगा। ये आपका स्टॉपर होगा, इस वजह से ऊपर वाला जो है वो नीचे नहीं गिरेगा, सॉरी नीचे वाला नीचे की तरफ ही गिरेगा, ताकि जो है वो ख़राब ना हो, इसलिए आप इसको लगाइए, ठीक है। के ऊपर हमने पूरे एरिया में पहले ग्लू लगा दिया, अच्छे से स्टिक हो जाएगा। ये पीछे खड़ी है भाई, देखो स्टिक जा रही है, ये स्टिक जा रही है। अब हमने इसके 4 साइड्स कट करने, ज़्यादा बड़े नहीं करने, बस इतने, फोर कट गए शायद, नहीं। सो अभी देखो अभी कटे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब असल गेम स्टार्ट होगा। आपने स्टिक लेना,
हमारा असल गेम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी आपने ये लेना है, इन दोनों को स्टिक के अंदर ऐसे डाल देना है, ठीक है। पहले आप ये देखो ये जा कहाँ तक रहा है, पहले इसको हमने डाल देना है, इसको ऊपर तक रखो। और आपने क्या मैंने फिर क्ले अगर आप चाहते हो क्ले से कुछ बनाओ तो आप लोगों को कमेंट जरूर से बताएगा, ठीक है। मैंने ब्लैक क्ले लिए ताकि इसको ऊपर वाले एरिया से हम रोक पाए, ठीक है। तो अभी आपने थोड़ा सा क्ले लेना, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। पैक कर देंगे, फिर आप इससे बॉल को रेडी कर लेना। एक बॉल रेडी हो जाएगी, सो क्ले की एक छोटी सी बॉल बन जाएगी। फिर आपने ये ऊपर वाले के स्टॉपर है सबने ताकि बाहर ना निकले, ठीक है ना। मैंने सोचा था वैसे उसमें से हाफ कर लो, अब बताती हूँ क्यों, ठीक है। यहाँ डालो और इसको बंद कर दो, ठीक है। अब जो हमें थोड़ा सा हो रही है ना, अब ये देखो ये नीचे तो जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो अब आपने एक आवाज हो गया, आपने इसकी एक स्टिक सी बनाई है मेरे को, ठीक है, ये रेडी हो गई। अब आपने इसके नीचे वाले एरिया पे इसको लगा देना ताकि ये नीचे भी लगे, ठीक है। अब वैसे मुझे इसकी नेट तो नहीं लग रही लगाने की, सो अभी हम इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका आपका फंतरू बन के रेडी हो गई है, देखो ये अपनी शेप में बदलता रहेगा, कितना प्यारा लग रहा है ना। मतलब अभी आप लोगों को शायद सही से दिख नहीं रहा लेकिन ये फोल्ड हो रहा है तो ऑसम लग रहा है ना। सो वैसे हम लोग डॉगी पाले हुए, उनकी आवाज़ है, कोई दूसरा डॉगी आता है तो ऐसे करते हैं लोग, सही है। तो ये देखें अब इसको पढ़िए ना, फिर नीचे लिखा ये खुद ही मैदान दीजिए। सो ये आपको आपकी वीडियो मेरी कैसी लगी मेरे कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ये देखिए ये स्टार बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद प्रोफेशनल तरीके से, हम इसको फिर बनाएंगे उसे बिल्कुल प्रोफेशनली बनाए, कोई ऐसे झोंक नोक नहीं हुई है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो गाइस बाय बोलने के बाद मैंने इसको घुमाया ना तो ये बहुत प्यारे तरीके से घूम रहा था, तो मैंने कहा चलो दोबारा से आपको बाय कर देंगे। ये देखो कितना असम तरीके से घूम रहे। तो आप लोग चाहते हैं कि मेरी क्ले की वीडियोस भी आए तो मुझे कमेंट जरूर से बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।